देश का रावण हारा है और बजरंग बली की जीत हुई है। सही बात। मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश हमारा हिंदुस्तान कभी भी नफरत पसंद नहीं किया है। ठीक। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जात की राजनीति नहीं किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने देश में ऐसा घृणित माहौल कर दिया, लगता है कि जितना भगवान है सब भाजपा का ही है। लेकिन आप मीडिया में, चैनलों में आपका भगवान हो सकता है, लेकिन दिल में कोई भगवान किसी का है वो हनुमान जी हमारे दिल में है, कांग्रेस पार्टी के दिल में है। ऊपर से वो भी देख रहे हैं कि कौन असली है और कौन नकली है। जय जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री लोग प्रधानमंत्री बनाता है विकास करने के लिए, कि देश हमारा विकास हो, विकसित हो, हम लोग कैसे डेवलप करें। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के मुंह से अगर धर्म की बात निकलती हो तो जनता कभी पसंद नहीं करेगी उसे, और जनता ने करा जवाब दिया है। और मैं कहूँगा कि हनुमान मंदिर और भगवान हनुमान, राम भक्त हनुमान, उन्होंने अपने पुष्प में आग लगाकर लंका को राख कर जला दिया। ठीक। आज कर्नाटका से हमारे हनुमान जी का एकदम फिर से दोबारा हम कहेंगे कि आए हैं और पुष्प में आग लगाकर पूरी भाजपा को सत्यानाश करने का काम हम लोगों ने कर्नाटका में किया है। मैं पहले से भी कहता था कि मैं बजरंग भक्त हूँ, बजरंग बली का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, कई मंदिर मैंने बनवाने का काम किया। और आज आपने देखा होगा कि सुभाष चौक में हुजूम का भीड़, इतना भीड़ मैंने लगता नहीं है कि कभी देखा होगा। आज सारे लोग आए और मैंने वादा किया, मैंने संकल्प लिया है कि जामताड़ा में मैं एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में बनाऊंगा, ये लोग आके देखेंगे, ये मिसाल है। राहुल गांधी जी की सहजता आपने ले लिया केवल बोलने पर, यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, वो समझ रही है कि कितना बड़ा पाप आपने किया और उस पाप का सजा आपको मिला कर्नाटका से। और ये सजा केवल कर्नाटका नहीं, ये शुरुआत है पूरे देश में। हमें लगता है कि 24 में इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आप संसद पार्लियामेंट से राहुल जी को हटा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में और हनुमान जी के दिल से राहुल जी को आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए एक बार जोर से बोलिए, पवन पुत्र हनुमान के। पवन पुत्र हनुमान के। चलिए, भाजपा का भस्म होगा और कांग्रेस का उदय होगा। इन्हीं बातों के साथ आज पूरे जामताड़ा में जश्न का माहौल है, कल नारायणपुर में होगा, परसों हम लोग गर्माठाड़ में करेंगे और उसके बाद महीजाम हम लोग चौक पर जश्न मनाएंगे। और इस शुरुआत में कार्यकर्ताओं से कहूंगा, जिस तरह से आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हाँ सर जी, उसको आप लोग बना के रखिए, उसको आप लोग काम कीजिए, लेके चलिए। यही मैं कहूंगा कि अभी बहुत बड़ी चुनौतियों का हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, अभी चुनौती आएगा, कि भाजपा को कम मत समझिए। अभी हम लोगों ने सांप का मुंह को कुचला है, बदन नहीं, ठीक है ना। इसलिए ये जो है भाजपा, कम मत समझिए इसको, ये भी एक से एक तिरंगबाजी लोग करेगा, लेकिन हमको उसका मुंहतोड़ जवाब देना है, हमको तैयार रहना है। आप तमाम लोगों से मैं कहूंगा कि आप दिक्कत हो आप इरफान अंसारी को बोलिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं जात पात आस्तिक नहीं किया हूं और मैं न करूंगा। जामताड़ा को एक स्वच्छ वातावरण के साथ मैं लेके चल रहा हूं और आज देखिएगा जामताड़ा नहीं पूरे झारखंड कांग्रेस में है, यही मैं कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।